मैं फादर डॉक्टर एमडी थॉमस हूँ. मैं इस समय इंस्टीट्यूट ऑफ हार्मनी एंड पीस स्टडीज द्वारका के निदेशक रूप में काम कर रहा हूँ. मैं सर्वधर्म सद्भाव बढ़ाने की दिशा में पिछले 30 साल से काम कर रहा हूँ राष्ट्रीय स्तर पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी. और आज इस गिरजाघर में एक सर्वधर्म प्रार्थना सभा रखी गई है, यानी ख़ास तौर पर इस गिरजाघर के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में, जो कि बेहद अच्छी बात है कि इसमें अजमल निज़ामी साहब भी आए थे, निज़ामुद्दीन सूफी परंपरा से, जो कि बेहद एक सबको एक दूसरे से जोड़ने वाली एक परंपरा है, और ब्रह्मा कुमारी के से भी है, और हिंदू परंपरा से भी सभी परंपरा के लोग आए थे, जिसमें एक दूसरे से जुड़ने की एक संदेश उभरा कि यानी हम एक ही परम पिता की औलाद है, हम एक दूसरे के लिए भाई और बहन है, हम उनके परिवार के सदस्य हैं. ये यानी एक दूसरे से अलग रहने और एक दूसरे के अलग काटने और बांटने की जो बात है ना, बचकानी बात हुई है. वो धर्म से कोई लेना देना नहीं है, वो राजनीति है. हमें अपने एक आस्था जो परम ये परमात्मा के इस पर स्थित होने की, जिससे एक दूसरे जुड़ने की, यही तो हमारी इंसान की संस्कृति है. इसे बढ़ाने की ज़रूरत है, वक्त की ज़रूरत है हमारे देश के लिए. वसुधैव कुटुंबकम एक बेहद अच्छा आदर्श है, लेकिन इसको एक संस्कृति बनाने की ज़रूरत है जीवन में एक दूसरे से जुड़ के. तब हम है ना अपने छोटी छोटी दीवारों से ऊपर उड़ के एक बेहतर देश और समाज बना सकेंगे, ये हमारी कोशिश है. अजमल निज़ामी साहब को मैं काफ़ी समय से मैं जानता हूँ. एक कार्यक्रम में हम एक साथ थे, हमने अभी उनको बुलाया था. ये एक पहले से मैं इससे जुड़ा था निज़ामुद्दीन दरगाह से, कि एक सूफी परंपरा की एक बहुत बड़ा प्रतीक है, कि यानी जीता जागता प्रतीक है जो सबको एक साथ लाने में. सूफी परंपरा मैंने किसी एक खास परंपरा नहीं है, ये सबकी परंपरा है. यानी एक खुदा से जुड़ने की बात है, इसमें इतना खुलापन है, खुला नज़रिया है कि एक दूसरे के साथ मिल के चलने की बात है. उसमें एक तहजीब है, ये अपने आप में एक परंपरा है, और अजमल निज़ामी साहब उसी परंपरा के एक नुमाइंदे के रूप में, इसी परंपरा के अगुआ के रूप में काम कर रहे हैं, जो कि बेहद सराहनीय है. मैं शुभकामना देता हूँ कि आपकी परम्परा से सूफी परम्परा जिन्हें सभी समुदायों को जोड़ने में एक बेहद अहम परंपरा है, वो उसका असर सभी समुदायों पर आ जाए, और जिससे हम एक दूसरे से जुड़ जाएं और बेहतर समाज और देश को बनाने में हम कामयाब हो जाएं. मैं इस दिशा में अजमल साहब को मैं बधाई देता हूं और मंगल कामना भी पेश करता हूं.